गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारा कारवा फिर निकल पड़ा है गांधीनगर के लिए और टोटल डिस्टेंस है 142 किलोमीटर। वहां जाकर हम अपने कुछ फ्रेंड्स, जिनको आपने हमारे साथ बिसलपुर कैंपिंग में भी देखा होगा, उनसे मिलेंगे। तो चलते हैं गांधीनगर के लिए। फ्रेंड्स, हमारी यह इंडियन ओवरलैंड कम्युनिटी एक क्लोज निट फैमिली की तरह है, जहाँ हम सब एक ही जैसी सोच, शौक और पैशन रखते हैं। इस कम्युनिटी में हर एज ग्रुप के लोग हैं, जो अलग अलग प्रोफेशन में हैं और अलग अलग स्टेट से आते हैं, और सब अलग अलग टाइप की व्हीकल्स में कैंपिंग करते हैं। पर जब हम सब मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि कितने पुराने यार दोस्त मिल रहे हों। वहाँ हम सब मिलकर अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जैसे कि ओवरलैंडिंग के लिए बेस्ट जगह, बेस्ट इक्विपमेंट्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस। अगर आप लोगों ने हमारी ओवरलैंडिंग वाली वीडियोस नहीं देखी है तो उसका लिंक हमने आई बटन में डाल दिया है, वो ज़रूर जाकर देखें। तो आज शाम को ऐसे ही हम अपने कुछ ओवरलैंडर फ्रेंड्स के साथ मिलेंगे और क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। अभी हम जिनके घर जा रहे हैं वो अपनी कैंपर वैन को मॉडिफाई करवा रहे हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना उनको ऐसा गिफ्ट दिया जाए जो उनकी वैन में अकोमोडेट हो जाए। एक ऐसा गिफ्ट जो पॉजिटिव एनर्जी दे, स्ट्रेस लीव करे और लाइफ में थोड़ा कलर ऐड कर दे। तो इन सब पैरामीटर में फिट बैठता है एक इंडोर प्लांट। साथ साथ हमने भी अपनी कैंपर वैन के लिए एक सक्यूलेंट ले लिया। फ्रेंड्स, न्यू एडिशन हमारी कैरावैन का, थोड़ी ग्रीनरी ऐड की जाए कैरावैन में। यूं ही चलते चलते हमने यह रियलाइज किया कि आज हमारा फास्ट होने की वजह से हमने कुछ खाया ही नहीं था। तो आज के लिए हमने यहाँ ब्रेक लिया है। तो ऐसी जगहों की कोई कमी नहीं है इंडिया में, यहाँ पर कहीं भी आप हॉल्ट ले सकते हैं साइड में लगा के गाड़ी। यू कैन मेक योर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, कुछ भी बना सकते हैं। तो देखते हैं क्या बन रहा है आज फास्ट के दिन। तो भाई, बन गया क्या? हाँ, मखाने रोस्ट कर दिए हैं और लस्सी रेडी है। चल भाग चले कहीं यार, रात कटे वहीं एक साथ ढले हवा। हाँ कुछ तो फिर थोड़ी भूख मिटाकर हम निकल गए आगे की जर्नी के लिए। तभी दीपक ने ऑब्जर्व किया कि साइड मिरर से कुछ साफ नहीं दिख रहा है। फ्रेंड, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपके साइड मिरर्स क्लीन होने चाहिए, तभी आपको पीछे का व्यू बहुत अच्छा दिखेगा। और ये प्रोडक्ट है स्टेन V400, ये हमारे संजय जी का प्रोडक्ट है, बहुत बढ़िया है, वेरी गुड, अमेजन में भी अवेलेबल है। तो लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। गांधीनगर चंडीगढ़ के बाद एक ऐसा शहर है जो पूरी तरह से प्लानिंग करके बनाया गया है और इसको ग्रीन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यह शहर साबरमती नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है और 644 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है। जिस फ्रेंच आर्किटेक्ट ने चंडीगढ़ शहर को डिजाइन किया था, उसी ने गांधीनगर को भी डिजाइन किया है। पूरा शहर सेक्टर्स में बटा हुआ है और हर सेक्टर में सब तरह की सुविधाएं मौजूद हैं। Amazing in this guys, love case. हाँ, love.
की वेट मत करना बिकॉज अभी कैंपर रेंट में छोटा सा ही गिफ्ट लाए कैंपर लगाने के लिए लक्ष्मी कमल इट गिव्स प्रॉस्पेरिटी। हां नमस्कार दोस्तों, देखिए हमारे घर कौन आए हैं। थैंक यू। हे गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज भी हमारे साथ गेस्ट है, पहचानी कौन, ये है मिस्टर हरी जी फलान नॉमेट से। वी आर गोइंग आउट फॉर डिनर। फालगुनी जी हमारे साथ बैठी है, फलान नॉमेट। हेलो। और अंकल भी बैठे हैं, फालगुनी जी के पापा। मेरे पापा है। अच्छा अंकल इधर आराम से ऐसे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो हे फ्रेंड्स, हमको हरीश जी और फागुनी जी हमको लेके आई हैं श्री अन्नपूर्णा विलेज हेरिटेज रेस्टोरेंट। वो दूर में खड़ी हुई हमारी वैन, ये है अन्नपूर्णा विलेज। पूरा जो उसका डेकोर है गांव का दिया गया है। कुछ तुलसी के पेड़, कुछ लालटेन, एक कैनन। फ्रेंड ये बहुत एक अच्छा ट्रेडिशन स्टार्ट किया है कि एवरी इवनिंग जिन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी है उनकी ये पूजा करते हैं। भारत माता। क्या बन रहा है? बाजरे की रोटी। बाजरे की। नमक तो नहीं डालते ना? नमक डालवाना। एक नमक बना लो। बिना नमक के बनाना। जब मैं ये बनाएंगे मेरा व्रत है। नमक पानी में डालो। अच्छा पानी में नमक है? नहीं नहीं। तो बीजू पानी ले ले चल। व्रत है ना ये नमक। हाँ ये तो तभी क्यों नहीं लगानी है? बीजू पानी लगाना। और वो क्या बन रहा है? काकड़ी। अच्छा तो बहन आपका नाम क्या है? गीता बहन। गीता बहन तो आप मतलब ये कितने रोटले बनाती है पूरे टाइम में? मतलब 50-50, 100 वगैरह? 40 आप बना लेती है? 30-40 उसके ऊपर। हाँ हाँ पचास बनाई पर 50 जितना कस्टमर आज ये रोटला तो एक भी खाया नहीं जाता, एक ही फुल हो जाता है। एक और चेहरा पहचाना हुआ। पहचान लीजिए यही है। यही चेहरा है। हाँ तो ये देखो ये तीन सारे सारे इसमें। हाँ अरे हरी जी आप भी दिखा दो ना, ये आपको भी देखते होंगे। हाँ ये फलान नॉमेट वाले, ये फलान नॉमेट वाले, इनको भी देखा होगा आपने। हरी जी को पहचान गए? वो देखो फागुनी जी। हाँ जी आप भी, ये फागुनी है। हाँ हाँ जो डांस कर रहे थे वीडियो देखे थे, सबसे शांत में हो। सबसे बच्चा भी यही है, जी ने बताया था। सबसे शांत हुई है। कहाँ पर आप? यहाँ हो? मैं रहता हूँ अहमदाबाद में। नारायणपुर। इनके मैसेज आ रहे थे, मैंने बोला यहाँ तो ना, मैंने कहा आजा प्लीज। इतना दूर नहीं है क्योंकि अक्सर हमारे गांधीनगर तो आते रहते हैं, ऐसे भी हैंग आउट करने के। क्या नाम आपका? राजेश। थैंक यू अंकल आप आ गए हमारे साथ। चलो भाई फूड क्या क्या है ये?
हेलो हाय तो फ्रेंड ये सारे सारे हमारे फ्रेंड्स हैं जो गांधीनगर के हैं ये है प्रिंस गांधीनगर है अहमदाबाद हां गांधीनगर अहमदाबाद हाय गांधीनगर में है पर अहमदाबाद से ज्यादा है यस 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 और ये एक पेड़ है ऊपर ये अभी इधर आइए बैठो बैठो कहीं गिरेगा नहीं करके ऊपर आपके हां अभी इधर जी जोर से मत गिराना रोड से नीचे आ जाता है यहां तक ओके और ये बच्चों के लिए है पर बच्चे हम ज्यादातर घुमाने लेके नहीं आते हैं उनको तो ये ऊपर चला गया अभी तो हमने सब सवाल हां नहीं मतलब जिस दिन थोड़ा ताक जाक हो गई उस दिन ऐसा कर सकते हैं आइडिया अच्छा है नहीं गाड़ी में भाई लड़ाई होगी भी तो तुम्हारी फटाफट मान मनुहार हो जाएगी कोई जगह ही नहीं जाओगे कुछ भी नहीं है कहां जाओगे जगह ही नहीं है बस के जाने का रहना तो इसी में ये खाना भी है फिर तो ऊपर सुला देने का और ये ऊपर कर देने लेकिन मैडम देखिए अभी दो प्रोग्राम फिक्स हो गया एक तो हम लोग भूटान जा रहे हैं अक्टूबर में अक्टूबर नवंबर व्हाटएवर अच्छा अक्टूबर का भी अभी से कर दिया हां भैया आप नहीं थे यू हैव मिस समथिंग एक तो अक्टूबर या नवंबर व्हाटएवर इट इज और दूसरा हमको कोस्टल करना है गोवा वाला जो दिसंबर वाला हमारा वो तो प्लान है हमारा स्टार्ट द प्लान हमारा नहीं तो हमारे यहां ऐसा होता है दो महीने के बाद में गोवा का प्रोग्राम है आप लोग ऐसे ही हमें अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें और हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें आप हमें इंस्टा और FB में भी फॉलो कर सकते हैं जल्द ही मिलते हैं कुछ नई वैन लाइफ स्टोरीज के साथ तब तक खुश रहें और स्वस्थ रहें